हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री करणदेव कांबोज ने शुक्रवार को सेक्टर 12 स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला के ऐसे 14 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया जो शैक्षणिक वर्ष 2016 से 17 से 18 व 2018 से 19 में 10वीं की परीक्षा में जिला में अव्वल रहे थे। इस दौरान मंत्री ने सक्षम हरियाणा प्रोजेक्ट में विद्यार्थियों को पढ़ाई में सक्षम बनाकर जिला के सभी खंडों को सक्षम बनाने में अपना योगदान देने वाले विभिन्न स्कूलों के हेड टीचर, मौलिक मुख्य अध्यापक, प्राध्यापक व प्राचार्य सहित कुल 45 शिक्षकों को उपलब्धि प्रमाण पत्र वितरित किए। मंत्री करणदेव कांबोज ने आज कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले देश के तमाम शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि जब भी देश में इस तरह की परिस्थितियां आई हैं, हमारे वीर जवानों ने दुश्मन का लोहा लेते हुए दुश्मन सेना को परास्त किया और अपनी सीमाओं पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी। इस युद्ध में करनाल जिला के 2 जवान बला निवासी सिपाही गुलाब सिंह और मुखाला निवासी राइफलमैन प्रवेश कुमार भी शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि आज इस तरह का राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है और उसी की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों व जिला के सभी खंडों को सक्षम बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने वाले प्राध्यापकों को बधाई दी है। आज कारगिल दिवस भी है और कारगिल में ये 1999 में कारगिल में जो हुआ था तो जिस प्रकार से हमारे रणमार्गों ने उसमें विजय हासिल की उसमें बहुत से जवान वर्ण शहीद हुए थे, 2 जवान भी हमारे जिला के उसमें शहीद हुए थे, तो मैं सभी उन जवानों के चरणों में नमन करता हूँ, उनको पुष्पांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि ऐसे वीर जवानों की वजह से हमारे देश का नाम जो है ना रोशन होता रहा है और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहती है। मैं उनको नमन करूँ और आज का जो कार्यक्रम है ये शिक्षा विभाग की तरफ से जो बच्चे पढ़ने में अव्वल हैं, सक्षम हैं, ऐसे बहुत से बच्चे जिनको आज पुरस्कृत किया गया, उनको लैपटॉप दिया गया, इसलिए दिया गया कि वो बच्चे और ज़्यादा इसमें निपुण बने और ज़्यादा जो है ना कुछ सीखें, तो इसलिए जो है ना ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया हेडक्वार्टर पंचकुला पर और सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको संदेश दिया स्क्रीन के द्वारा कि सभी बच्चे जो है वो ज़्यादा सबको टैलेंट जो है ना उससे प्रेरणा मिले, क्योंकि प्रेरणा से ही बहुत से बच्चे आगे बढ़ते हैं और जब इनको प्रेरणा देंगे तो इन्हीं में से कोई जवाहरलाल नेहरू बनेगा, कोई लाल बहादुर शास्त्री बनेगा, कोई APJ अब्दुल कलाम बनेगा, कोई कल्पना चावला बनेगी, कोई झांसी की रानी बनेगी। जब बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है तो उनमें भी एक उत्सुकता होती है कि हमें भी कुछ इस प्रकार का काम करना चाहिए ताकि हम इस श्रेणी में आ सकें। तो ये सक्षम योजना के तहत बहुत सी ऐसी योजनाएँ जो हरियाणा ने चलाई है उसको आज भारत सरकार जो है अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको लागू करना चाह रहा है। और जैसे कि पूरे देश के हमने हरियाणा के अंदर जो ऑनलाइन राशन कार्ड का वितरण हमने शुरू किया है तो भारत सरकार भी अब पूरे देश के अंदर एक देश एक राशन कार्ड जो है इस योजना को लागू कर रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जो हरियाणा ने शुरू की है, केंद्र सरकार नीति आयोग ने भी कई हमारी योजना को स्वीकार किया है और उनका टेस्ट भी उन्होंने किया है, ये कहीं अकेले कागजों में ये योजनाएं ना हो, उन्होंने धरातल पर जाकर के निचले स्तर पर जाकर उनको चेक भी किया है कि वाकई में ये योजनाएं जो है ना धरातल पर चली हुई हैं, फील्ड में उतरी हुई हैं, वाकई में इनका जो है ना लोगों को लाभ मिल रहा है। तो आज इस अवसर पर लगभग 40 तो अपने जो शिक्षक थे उनको ये लैपटॉप दिए, तो ये अपना पुरस्कृत किया गया और 14 बच्चे थे जिनको जो है ना लैपटॉप दे करके उनको सम्मान। सर, एक जहाँ कुलदीप बिश्नोई के घर 80 घंटे से ज़्यादा जो इनकम टैक्स की पूछताछ चल रही है, वहीं हुड्डा के घर भी ईडी से कल हुड्डा से 4 घंटे पूछताछ की है, तो किस तरह से देखते हैं विधानसभा इलेक्शन से पहले शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए, ऐसा ना तो कोई शिकंजा कसने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी जो है कभी इस प्रकार दुर्भावना से कोई बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं, ये रूटीन की कार्रवाई है। जो मामले सामने आए हैं अनियमितता के उनकी जांच करके डिपार्टमेंट जो है स्वयं संज्ञान लेकर के और उनकी जो है ना जाँच पड़ताल कर रहा है
जांच पड़ताल करने के बाद जो भी मामला सामने आएगा तो उसके तहत जो है ना कार्रवाई होगी। अगर कोई किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है तो निर्दोष साबित कर दिए जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई सोचने वाली बात नहीं। सर, एक आपके पास खाद्य पूर्ति विभाग है, सेक्टर 6 में कल आप कई बीजेपी के पार्षद थे और शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने औचक निरीक्षण किया, खाद्य सामग्री में काफी खामियां पाई हैं, कीड़े वगैरह मिले हैं, तो किस तरह से देखते हैं मिड डे मील वगैरह मिले? देखिए, वैसे तो करनाल के अंदर क्योंकि हमारा पायलट जिले में है, यहाँ पोल्ट्री भाई आटा वितरित कर रहे हैं, अम्बाला और करनाल में दोनों जिले जो है ना उसमें गेहूँ कहीं भी नहीं बांट कर हम पोल्ट्री भाई आटा बांट कर स्कूलों में इस्तेमाल हो रहा है सर, उसमें काफी हमारा हम स्कूलों में जो है ना खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट और स्कूलों में कोई किसी प्रकार की खाद्य नहीं भेजता। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ पीडीएस सिस्टम के नाते वो गरीब लोगों को जो है ना हम राशन मुहैया कराते हैं, वो किसी और डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है ना वो उसमें स्कूल में आया होगा, हमारी डिपार्टमेंट आंगनवाड़ी भाई नहीं नहीं आंगनवाड़ी में नहीं, हम सिर्फ पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें, क्योंकि एक सर्वे हुआ था बहुत से इलाकों में, जब वो सर्वे की रिपोर्ट आई है तो जो गरीब परिवार हैं, गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं 14 साल तक और विशेषकर बच्चियां, उनमें खून की कमी पाई जाती है, तो इस खून की कमी को किस प्रकार से उनको पूरा किया जाए इसके लिए योजना बनी, कई तरह से विचार हुआ, तो बाद में फिर योजना ये बनी कि अगर इनको 45 आटा दिया जाए, इसमें आयरन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, तो उससे जो इनकी खून की जो है वो कमी पूरी हो सकती है, तो इसलिए जो है ना 45 आटा हमारे डिपार्टमेंट के जरिए, हम तो पहले गेहूँ बांट रहे थे और आटा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था हमने आटा बांटना। आटा घोटाला में अभी तक डीप होल्डरों ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।